हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर काजल आज आपको एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है क्वांटम नंबर। तो आज इस टॉपिक के साथ अपनी शुरुआत करते हैं क्लास की। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे। जल्दी जल्दी सभी आ जाइए, आपकी क्लासेस आ चुकी हैं। जल्दी सभी आ जाइए, आपकी क्लासेस आ चुकी हैं। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछा करो और वीडियो को लाइक किया करो और लास्ट तक देखा करो। अच्छे से आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक कंसेप्ट समझाने की। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन सही दिख रही है? मेरी स्क्रीन सही दिख रही है आपको? यहाँ पे स्क्रीन सही है, वॉइस क्लियर है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। देखिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्वांटम नंबर। हिंदी में बोलते हैं क्वांटम संख्या, क्वांटम क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। अच्छा, अब हमें क्वांटम संख्याओं की, क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी वो समझते हैं अच्छे से। देखिए अगर कोई बाहर का इंसान तुमसे पूछे, अगर तुम्हें वो अनजान है और उसे पूछना है कि भाई हमें उसके घर जाना है, तो पहले इंसान क्या कहेगा? अच्छा तुम किस मोहल्ले से हो, तुम्हारा मकान नंबर क्या है, तुम्हारा नाम क्या है घर पे, यही तो पूछेंगे। तुम्हारी गली नंबर क्या है, यानी अगर तुम्हारे घर तक किसी को पहुंचना है तो तुम्हारा पूरा एड्रेस चाहिए। तुम किस गांव के हो, किस गली के हो, मकान नंबर क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, सब कुछ। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी स्पिन, वो किस तरीके से घूमेगा, क्या बताएगा एटम में, तो उस सब चीजों का जो ज्ञान कराया, जो नॉलेज दी, वो दी क्वांटम नंबर ने। ठीक है, वो दी क्वांटम नंबर ने। अब क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर है हमारा जो आपको दिख भी रहा है, क्वांटम संख्याएं। ये चार तरीके की होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगिंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, फोर्थ हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें आपको NLMS की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आती है किसी में भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पाउली लॉ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वांटम नंबर समझ में आना चाहिए, उसके बाद में आपको पाउली लॉ समझ में आएगा, क्योंकि क्वांटम नंबर पर ही बेस्ड लॉ है हमारा पाउली एक्सक्लूजन लॉ, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये क्लासेस जो है वो 11th क्लास के लिए बहुत जरूरी हैं। तो बच्चों आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आप अच्छे से ध्यान से क्लासेस को देखें। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये, पढ़ लेते हैं। दीज आर द कॉन्स्टेंट विच फुल्ली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी जैसे हम पूछे किस गांव का है भाई तू, तो एनर्जी शेप क्या, गली नंबर क्या है तुम्हारा, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि घर कितना लंबा चौड़ा, फॉर एग्जांपल जैसे घर घर में कितने कमरे हैं, तो वो ओरिएंटेशन को दिखाता है। ओरिएंटेशन होता है अभिविन्यास। ठीक है, किस तरीके से तुम फैले हुए हो, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, तो वो चीज हमारा ओरिएंटेशन होता है, अभिविन्यास होता है। क्लाउड इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड किस तरीके से घूमते हैं वो सब क्वांटम नंबर बताते हैं। हमने पीछे की क्लास में उसकी शेल्स के बारे में बात कर ली थी कि KLMN सीरीज होती, शेल्स होती हैं, यानी कोशों की संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब क्वांटम नंबर की बात करते हैं कि फोर क्वांटम नंबर है हमारी, जैसा आपको दिख रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य मुख्य क्वांटम क्वांटम संख्या,
जिसको डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट है एजीमुथल, इसका नाम है विगंसी, विगंसी, क्वांटम, संख्या। विगंसी, क्वांटम, संख्या, इसको एल से डिनोट करते हैं। हमने इसी के बारे में सोमरफील्ड ने अपना लो दिया था इस क्वांटम नंबर के लिए। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इनके काम देख लेंगे हम कि क्या क्या इनके काम होंगे, किस तरीके से ये काम करेंगी। प्रिंसिपल क्या बताती है, हमारी मैग्नेटिक क्या बताती है, एजीमुथल क्या बताती है, और स्पिन क्या बताती है। यहाँ तक बात क्लियर है कि क्वांटम नंबर क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन की शेप यानी आकार, उसकी एनर्जी, ऊर्जा, उसका ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास, और उसके स्पिन के बारे में यानी कि चक्रण के बारे में, कि वो किस तरीके से घूम रहा है उसके बारे में बताती है। तो उसके लिए यूजफुल है हमारी क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं, क्वांटम नंबर कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी वन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। अगर तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है कि वो किस शेल में घूम रहा है, क्या उसकी एनर्जी है, उसकी शेप क्या है, तो सबके बारे में। अब सबके काम अलग अलग है, जैसे घर में हैं अलग अलग कमरे हैं, कमरों में अगर तुम्हारा एक पर्सनल कमरा है, जैसे घर ने बोल दिया कि एक कमरे में दो लोग रह सकते हैं, तो एक का काम अलग होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का काम अलग होता है। तो ऐसे ही हमारा क्वांटम नंबर का चलता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल यानी द्विगंशी, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, और स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या। इसको एम एस से भी डिनोट करते हैं, एम एम के उसमें एस लगा होता है, ठीक है, और इसको एस से भी डिनोट करते हैं। मोस्टली इन दोनों सिंबल्स को याद रखना कि एम एस से भी कर सकते हैं और खाली एस से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जहां एम एस है वहां स्पिन की बात चल रही है, ना कि मैग्नेटिक की। मैग्नेटिक होता है सिर्फ एम। बात क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जान लेते हैं होता क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन की? देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है? एन एनर्जी लेवल। क्या बताएगा? एनर्जी लेवल, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं हम, ये बताता है एनर्जी लेवल का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, कि उसकी के शेल है, एल शेल में है वो, एम में है या एन में है। ये बताता है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, कि वो किस सेल में है। एनर्जी लेवल का मतलब यही होता है कि वो किस सेल की एनर्जी को लिए हुए है। बात समझ में आई? इंटीजर वैल्यू यूज टू स्पेसिफाई द सेल साइज लेवल, ठीक है, सेल के बारे में, साइज के बारे में, लेवल के बारे में। अब मैं समझाती हूँ साइज के बारे में कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एन इज इक्वल्स टू वन है तो के की बात चल रही है। एन इज इक्वल्स टू वन के लिए किसकी बात चल रही है? के की बात चल रही है, इनकी के सेल के लिए है ये, और के सेल के लिए नाभिक यहाँ पे और के सेल यहाँ पे, ये के सेल है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बारे में बात हो गई, यानी साइज ही तो बता रहा है ये। और अगर एन इज इक्वल्स टू टू हो गया तो वो एल सेल हो गई, यानी कि दूसरी। अब ये यहाँ पे हो गया तो ये यहाँ से अब यहाँ तक की डिस्टेंस बताएगा। तो इसमें भी साइज बता दिया ना, साइज बता दिया, इसकी एनर्जी बता दी कि अगर एन इज इक्वल्स टू वन में है तो वो के एनर्जी के साथ
ही एनर्जी के साथ, यानी कि फर्स्ट सेल में रहेगा और उसकी एनर्जी के अनुसार वो उसमें घूमेगा। एल शेल में साइज बता दिया और लेवल बता दिया, बात समझ में आई। इसी प्रकार हम एन इज इक्वल्स टू 3 के लिए, एन इज इक्वल्स टू 4 के लिए, एन इज इक्वल्स टू 5 के लिए कर, 5 के लिए नहीं 4 के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिस्क्राइब हाउ फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सेल और लेवल अंडर द कंसिड्रेशन। वही मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है न्यूक्लियस से, तो एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 ऐसे रख के इसको पता किया जा सकता है, बात समझ में आई। द लोअर द नंबर द क्लोजर द एनर्जी लेवल इज टू द एटम्स न्यूक्लियस एंड लेस एनर्जी। ये कह रहा है अगर एन इज इक्वल्स टू 1 होगा उसकी एनर्जी कम होगी, एन इज इक्वल्स टू 2 होगा उसकी थोड़ी ज्यादा होगी, इसका मतलब एन बढ़ती जाएगी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, बात समझ में आई। मैक्सिमम हैशटैग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन फिट इन एन एनर्जी लेवल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n2। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हम किसी भी शेल में उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की बात कैसे बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने बोला है कि 2n2 से आप किसकी बात कर सकते हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हो। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैसे कर सकते हैं आप बताओगे, एन इज इक्वल्स टू 1 रखा, जब एन इज इक्वल्स टू 1 है तो एन इज इक्वल्स टू 1 रखा, 1 रखने के बाद 2 मल्टीप्लाई एन की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा 2। और ये एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए कौन सी शेल होती है, के शेल। यानी के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इसकी बात मैंने तुमसे पहले भी करी थी कल, एन इज इक्वल्स टू 2 रखें, अब 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी दूसरी सेल का नंबर कौन सा हो जाता है, एल। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। अब नेक्स्ट की बात करते हैं एम की, एन इज इक्वल्स टू 3, 3 के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। एम सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, 18। अब आते हैं एन सेल पे, एन इज इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 32। तो एन सेल में 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बात समझ में आई। यानी के सेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एन सेल के लिए, एल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, एन के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 और एन के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32। यानी कि के एल एम एन की बात हमने कर ली, और वो किसके द्वारा बताएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम क्या क्या बता सकते हैं, सेल बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, एनर्जी बता सकते हैं, एनर्जी बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, ठीक है। सेल बता सकते हैं, एनर्जी बता सकते हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, किस लो से, 2n2 से, बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं हम एजीमुथल पे। एजीमुथल का क्या काम होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या का क्या काम होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसका काम क्या होता है, इसको करते हैं हम एल से डिनोट, किससे करते हैं, एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करता है हमारा एजीमुथल।
सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, ये बात करेगा सब सेल्स के बारे में। किसके बारे में? सब सेल्स के बारे में, कि सब सेल्स क्या होंगी, किस सब सेल का। हमारी चार सब सेल होती है, मैं बता दूं, चार सब सेल होती है हमारी, एस पी डी एफ, इनके बारे में ही बात करता है ये। और ये एजीमुथल किस पर डिपेंड करता है? ये करता है एन की वैल्यू पर डिपेंड, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड। इसकी सारी वैल्यूज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेंगी। वो कैसे करेंगी वो मैं अब बताती हूँ। इट डिफाइंस द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये क्या, ये शेप के बारे में भी बताता है, यानी जहां ऑर्बिटल का शेप आ गया, ऑर्बिटल का, और ये ऑर्बिटल की बात कर रहा है, यानी सब सेल्स की बात कर रहा है, ठीक है। वी ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट डिजाइनेट द सब सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ये कह रहा है वही जो मैंने बताया, कि ये बताता है कि ये किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है, यानी ये एस में है या पी में है या डी में है या एफ में है। आप कहोगे कैसे बताएंगे मैम, अब हम देखते हैं, क्वेश्चंस कराएंगे साथ में। इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की शेप, यानी एस की शेप क्या है, पी की क्या है, डी की क्या है और एफ की क्या है, इनकी शेप्स के बारे में बताता है, यानी कि किसकी शेप कैसी होती है, गोल है, डम्बलाकार है, किस तरीके से है। फॉर अ गिवन वैल्यू एन एल कैन हैव एन वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम टू 0 n-1। यानी एल की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है, एन की वैल्यू पर। जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो एल की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, यानी एल के जो वैल्यूज होंगी वो 0 से n-1 तक लाई करेंगी। बात समझ भाई? लेकिन हाँ एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है आपको यहां से, कि एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। एल की वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। एन डज नॉट इक्वल टू 0। बताओ अगर किसी की एन, ये किसके बारे में बताती है, शैल के बारे में। अगर तुमने एन इज इक्वल टू 0 रख दिया तो क्या तुम शैल के बारे में बता पाओगे? नहीं ना। तो एन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इंटीजर वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। ईच सब सेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब सेल्स, यानी कि ईच सेल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हर सेल क्या करती है, एक से ज्यादा सब सेल को कंटेन कर सकती है, कंसिस्ट कर सकती है। अब कैसे कर सकती है वो मैं बताती हूँ। सब सेल इन द प्रिंसिपल सेल इन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन, यानी सब सेल किसके बारे में, सब सेल कितनी सब सेल होंगी कैसे पता चलेगा, किस सेल में कितनी सब सेल होंगी पता कैसे चलेगा, वो डिपेंड करेगा एन की वैल्यू पर, ठीक है। एन की वैल्यू 1 है तो उसमें, उस सेल में सब सेल जो है वो 1 है। एन की वैल्यू 2 है तो उस सेल में सब सेल जो है वो 2 है, ठीक है। सब सेल होता है उपकोष, सब सेल होता है उपकोष, उपकोष, ठीक है। ऑर्बिटल होता है कक्षक, कक्षक। तो ये किसके बारे में बात करती है, ये बात करेगी कि भाई किस सेल में, भाई हमें क्या पता के सेल में कितने सब सेल आ सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा एन पर। अब कैसे करेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे करेगा। आप, हम कह रहे हैं कि एल की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 है, ठीक है। अब रखना स्टार्ट करें, पहले एन इज इक्वल्स टू 1 कर लो, यहाँ एन की वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ एल की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए एल की वैल्यू बताओ। यहाँ 0 रखोगे, वो सॉरी 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगी, 0, यानी कि 0, 0 0 ही होगी हमेशा। तो मैंने क्या बताया, सब सेल,
नंबर ऑफ सबसेल यानी कि उपकोष की संख्या। उपकोष की संख्या किस पर डिपेंड करती है? जो हमारा लास्ट पॉइंट था, एन के मान पर। किसके मान पर डिपेंड करती है? एन की वैल्यू पर। ठीक है, अब एन इज इक्वल्स टू 1 है, एल इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये सिर्फ कितनी सबसेल होंगी? ये किस बात की कर रहे हैं? ये शैल हो गई हमारी। ठीक है, अब एन इज इक्वल्स टू 1 यानी कि के सेल के बारे में बात कर रहा है, के कोश के बारे में बात कर रहा है, और के कोश के लिए एल इज इक्वल्स टू 0, एल इज इक्वल्स टू 0, और एन की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है हमारी सब सेल की, यानी कि एन की वैल्यू 1 होगी तो सब सेल सिर्फ एक होगा, और वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा एस। क्या होगा? एस होगा। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो होती है, शेप के बारे में बात करें तो इसकी शेप होती है गोलाकार। ठीक है, इसकी शेप होती है गोलाकार। बात समझ में आई? चलो मैं ऐसे कर देती हूँ एक बार। ये मिटाओ, ये मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ समझेंगे भाई, अब हम करते हैं यहाँ पे क्या रखेंगे हम? n की वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे l की वैल्यूज़। यहाँ हम बताएंगे शैल, हम बताएंगे सब शैल के बारे में। ठीक है, और यहाँ हम बताएंगे उसकी शेप के बारे में, क्योंकि क्या करता है l की वैल्यू का एक काम क्या है? शेप बताना। ठीक है, शेप बताना। अब देखो, n इज इक्वल्स टू 1 रखो, एन इज इक्वल्स टू 1 रखो, एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये किस सेल की बात करेगा? के की। एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? 0, एन माइनस 1। यानी एन बराबर 1 रखेंगे तो एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0 तो सब सेल कौन बताता है? कि अगर एक होगा, एन इज इक्वल्स टू 1 होगा तो उसमें एक सब सेल होगा, और पहला सब सेल हमारा क्या होता है? एस। क्या होता है? एस। और ये बताएगा किसके बारे में? इनकी शेप के बारे में। यानी कि 0 आएगा जब, तो उसकी शेप कैसी होगी? स्फेयर, यानी गोलाकार। एस की शेप कैसी होगी? गोलाकार। तो सिर्फ एक सब सेल आई है ना। अब उसके बाद में लिखो एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2। एल की बात चल रही है तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो पहले तो 0, फिर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1, 1। तो n इज इक्वल्स टू 2 यानी 0 एंड 1, तो कितनी सबसेल आएंगी? 2 सबसेल आएंगी। यानी s के बाद में किसका नंबर आता है? p का। किसका नंबर आता है? p का। तो इसकी जो शेप होती है वो होती है डमलाकार, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे थ्री डायमेंशनली जा सकता है, ये थ्री डायमेंशनली जा सकता है। ठीक है, अब n इज इक्वल्स टू 3 के लिए m की वैल्यू रखेंगे 0, यहां रखेंगे 3, तो 3 माइनस 1 2, यानी 1 भी आएगी और 2 भी आएगी, उससे पहली पहली सारी संख्याएं आएंगी हमारी, तो कितनी सबसेल हो जाएंगी? एस पी डी। ठीक है, अब इसके लिए क्या है? ये डी ऑर्बिटल के लिए क्या बताता है? ये एस की शेप है, ये पी की शेप है, और ये डी की शेप होगी। ये ऐसे ऐसे बना लेगा और फिर
ये इस तरीके से बनाएगा, यानी कि इसकी इस तरीके से शेप होती है डी की, ये यहाँ पर ऐसे जाता है ये, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स जेड, ये होती है डी में। अब आ जाओ एन इज इक्वल्स टू 4 के लिए बात करें, तो ये किसकी बात करेगा, के एल एम एन, यानी इसमें कितने होंगे, जब 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3, तो 0 1 2 और 3, इतने सेल्स होंगे, सब सेल्स। तो एस पी टी एफ, यानी यहां से हमें क्या पता चला कि एल के एस के लिए एल का मान 0, तो एस के लिए 0 और पी के लिए 1, एस के लिए 0 और पी के लिए 1 और डी के लिए 2, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। बात समझ में आई, यहां सबकी वैल्यूज हो चुकी हैं इस तरीके से, ये शेप बताता है और एन की वैल्यू पे नंबर ऑफ सब सेल्स की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। तो पहली सेल में हमारा कितना सब सेल आएगा, सिर्फ एक, दूसरी सेल में 2, तीसरी सेल में 3, चौथी सेल में 4, ऐसे आएंगे, ठीक है। अगर कोई कहने लगो क्या मैम 1p नहीं बन सकता, नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ये आता ही नहीं है, ठीक है। 1p या 1p यानी पहली सेल के लिए और p यानी उपकोष, पहली सेल कोष और उपकोष, और ये हमारा नहीं बन सकता क्योंकि ये इसमें आता ही नहीं है। बात समझ में आई, नेक्स्ट चलते हैं। एजीमुथल देखो यहाँ पे, ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम नंबर, डिफाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जैसी जैसी शेप होंगी, वैल्यूज रेंज 0 to n-1, ये भी मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है एजीमुथल के लिए। चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, एम की, थर्ड ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये क्या है, थर्ड क्वांटम नंबर है और ये किसके बारे में बताएगा, ये बताएगा ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास के बारे में, अभिविन्यास। टेल अस हाउ मेनी ऑर्बिटल दे आर आउट ऑफ अ पार्टिकल टाइप एंड देयर ओरिएंटेशन एंड स्पेस ऑफ पार्टिकुलर ऑर्बिटल, ये किस मतलब एक ऑर्बिटल के कितने कक्षक हो सकते हैं, इस तरीके के डिब्बे देखे हैं ना आपने, तो ये इसी की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल, ये ही बताता है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एक ऑर्बिटल में, यानी कि इस ऑर्बिटल में, ये है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी कक्षक, और इस कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से स्पिन करेंगे वो बताती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू है, एम की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एल की वैल्यू पर, एम डिपेंड्स ऑन एल, कैसे करती है, एम की वैल्यू होती है माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है, माइनस एल टू प्लस एल। फॉर एग्जाम्पल जैसे एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या था, एल की वैल्यू 0 थी, तो एम की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए एल की वैल्यू क्या थी, 0.1 थी, तो एम की वैल्यू क्या होगी, 1 का क्या होगा, माइनस 1, बीच में 0 और प्लस 1, माइनस एल टू प्लस एल। एन इज इक्वल्स टू 3 के लिए एल की वैल्यू 0.1.2, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। और एन इज इक्वल्स टू 4 के लिए एल की वैल्यू 0.1.2.3 इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है।
ये, अब ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, अगर एम की वैल्यू जीरो है तो एक ऑर्बिटल आएगा, और एम की वैल्यू जीरो की, एल की वैल्यू जीरो किसके लिए होती है, एस के लिए। एम की वैल्यू माइनस एल, जीरो प्लस एल है, तो ऑर्बिटल आएंगे कितने, तीन। कितने आएंगे, तीन। बात समझ में आई, तीन आएंगे। तो वन किसके लिए होता है, पी के लिए, तो पी के लिए ऑर्बिटल आएंगे, ये एस के लिए ऑर्बिटल है, ये पी के लिए ऑर्बिटल है। अब ये कितने हैं, माइनस एल टू एल, और टू किसके लिए होती है, डी के लिए। एल की वैल्यू टू किसके लिए होती है, डी के लिए, तो ये डी के ही तो वो हैं, तो डी के ऑर्बिटल आएंगे फाइव। एक एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच हो गए, पाँच हो गए। ठीक है, अब एल की, एन की वैल्यू फोर के लिए क्या आती है, जब हम वहां रखते हैं एन माइनस वन में, तो क्या आती है, फोर माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री, तो ये एफ का काम करता है, तो एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, यानी सात ऑर्बिटल। बात समझ में आई, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ सात हो गए। तो इस तरीके से यही समझ में नहीं आता कि ये ऑर्बिटल आए कैसे, एस में एक ही ऑर्बिटल क्यों, वो डिपेंड करते हैं एम की वैल्यू पर। ठीक है, वो डिपेंड किस पर करते हैं, एम की वैल्यू पर, एम की वैल्यू पर। एम की वैल्यू जितनी होंगी ऑर्बिटल उतने ही होंगे, और किस उपकोष के लिए होगा वो मैंने आपको बता ही दिया, ये एस के लिए, ये पी के लिए, ये डी के लिए, और ये एफ के लिए। बात क्लियर है, अब देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है, ये बताता है कि एम ने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, और ये बताता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी, ये कैसे घूमेंगे। दिस लीड टू फोर्थ क्वांटम नंबर, द स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, एम एस या एस। द स्पिन क्वांटम नंबर हैज ओनली टू अलोड वैल्यूज, इसकी केवल दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। इसका मतलब ये है, प्लस हाफ होगा तो वो घूमेगा क्लॉकवाइज, इस तरीके से होता है क्लॉकवाइज, और अगर माइनस हाफ होगा तो वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बात समझ में आई, क्लॉकवाइज यानी कि एक पॉजिटिव चीज होती है, ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे किसी का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू भी हो सकती है प्लस हाफ और इसकी वैल्यू भी हो सकती है, इसकी वैल्यू भी हो सकती है प्लस हाफ। बस ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा और इसकी वैल्यू प्लस हाफ होगी तो इसकी वैल्यू माइनस हाफ होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू प्लस हाफ होती है तो इसकी वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो ऐसे शो करते हैं कि ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एस का काम। अब हमारी एन एल एम एस के बारे में बात हो चुकी है, क्वांटम नंबर के बारे में बात हो चुकी है, तो कल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको दे दिया 2s, तो अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें s p d f की वैल्यू बताइए, s p d f की नहीं, क्वांटम नंबर क्या है हमारी, एन एल एम एस की वैल्यू बताइए, इसके लिए एम एन एल एस एम की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो कल करेंगे, तो इस तरीके से इस क्लास को ध्यान से देखिए, कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाने की। तो बच्चों लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, और जो भी इस चैनल से नया जुड़ा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए सिर्फ आपके लिए क्लासेस यहाँ पे फ्री चलाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा, बस लास्ट तक वीडियो को देख के वीडियो को लाइक करना पड़ रहा है बस, और इतना तो आप कर ही सकते हैं आई होप। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे,
अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से कंसेप्ट सीखो, जो प्रॉब्लम है वो पूछते रहो। थैंक यू एवरीवन।